हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप सबके सब बढ़िया होगे। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मीवी डुओ पोड्स A350 के बारे में। तो ये अभी रिसेंटली मीवी की तरफ से लॉन्च हुए हैं under ₹1000 के आसपास। और ये है ना, आपको A350 बोल सकते हो या फिर इसको F60 भी बोल सकते हो, क्योंकि सिमिलर डिजाइन देखने को मिलता है जो F60 इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए थे उनमें। बट दोनों के दोनों जो ईयरफोन्स है ना, उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक इसके अंदर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, साउंड में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, आपको कैसा देखने को मिलता है। तो ये मीवी डुओ पोड्स A350 का बॉक्स, और सिमिलर जो मतलब कि मीवी की टिपिकल स्टाइल आती है वैसा ही बॉक्स देखने को मिलता है। और पीछे कुछ की हाइलाइट फीचर्स लिख रखे, जस्ट लाइक यहाँ पर आपको HD स्टीरियो साउंड देखने को मिलती है, सीमलेस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है क्योंकि ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, फास्ट चार्जिंग केस है और टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है under ₹1000। तो जैसे ओपन करते हैं, आपको एक वारंटी कार्ड और कुछ यूजर गाइड्स वगैरह देखने को मिलती है। देन उसके बाद आपको नीचे जो आपको मेन ईयरफोन है वो देखने को मिलती है। और इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से बताऊं ना, तो ये बिल्कुल मीवी डुओ पोड्स F60 जो अभी रिसेंट लॉन्च हुई थी वैसी ही देखने को मिलती है। बट वो वाली जो ईयरफोन थी ना, उसका केस आपको शाइनी मटेरियल मिलता था, बट ये वाला है ना थोड़ा मैट टेक्सचर्ड मटेरियल, तो इसपे आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह इजीली नहीं आएंगे और थोड़ा ग्रिप वगैरह में भी बढ़िया लगता है। और देखने में जो मैट है ना, वो ग्लॉस से ज्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है चार्जिंग के लिए, इससे आप डाटा वगैरह ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आपने अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो देख लिया। अराउंड मेरे को एक दिन हो चुका है इस ईयरफोन को यूज करते हुए, और ये अब की बार मैंने ब्लू कलर में ऑर्डर की थी। अब की बार थोड़ा मैट फिनिश देखने को मिलता है इस वाली ईयरफोन में, तो मेरे को ज्यादा पर्सनली अच्छा लगता है मैट वाला, जो शाइनी होता है ना यार, थोड़ा सा उस पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह जल्दी आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसके बिल्ड और डिजाइन से। तो यहां पर फ्रंट में ही ना आपको मीवी का लोगो देखने को मिलता है, उसके ऊपर चार्जिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको चार्जिंग इंडिकेट करेंगे कि 25%, 50, 75 और 100 के ऊपर। देन उसके बाद बॉटम में आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और नॉर्मली ये मैंने ट्राई करके देखा था, 10 वोल्ट तक ही सपोर्ट कर रहा था, उससे ज्यादा मैंने 15 का और 18 दोनों ही यूज करके देखे थे, उसमें मेरे को कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। और एक चीज और बता दूं कि जो इसकी हिंज है ना, ये मेरे को जो नॉर्मल मीवी वाली आती है ना, वैसी हिंज देखने को मिली। F60 के अंदर जो हिंज थी ना, वो थोड़ी बेटर थी, उसके अंदर थोड़ा मतलब कि जो फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह थी ज्यादा थी, बट ये वाली थोड़ी मतलब कि नॉर्मल से फील होती। और अगर बात करें मेन टिप्स की, तो मेन टिप्स आपको नॉन रबराइज देखने को मिलती है, जो एयरपोर्ट्स वाली लुक है ना वैसा कुछ आपको देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी परफेक्ट है, काफी बंदों के लिए बेस्ट होती है। मेरे लिए जो नॉन रबराइज मटेरियल वाली टिप्स होती है वो ज्यादा अच्छी तरीके से फिट आती है, और ईयर्स वगैरह में पेन भी कम होता है उनसे। और साथ ही साथ ईयर टिप्स के ऊपर ही आपको मतलब कि इंडिकेटर देखने को मिलता है जो कि आपको बताता है कि भाई ईयरफोन कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, बैटरी लो भी वहां पर इंडिकेट कर देता है। और साथ ही साथ जो ईयर टिप्स है ना, वो टच कंट्रोल देखने को मिलती है आपको। अगर आप सिंगल टैप करते हो तो जो म्यूजिक है उसको आप प्ले पॉज कर सकते हो, और वहीं पर अगर आप इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो जो म्यूजिक है उसका ट्रैक आप मतलब कि नेक्स्ट या फिर जो प्रीवियस ट्रैक है उसको प्ले कर सकते हो। और लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी वगैरह को वेक करवा सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो ईयर टिप का डिजाइन है ना, काफी बढ़िया है। मैं भी इसको पिछले 2-3 ईयरफोन से ट्राई आउट कर रहा है, और ये वाला डिजाइन मेरे को पर्सनली ज्यादा पसंद आता है इनके रबराइज टिप से, क्योंकि इनके रबराइज टिप्स है ना इतने अच्छी तरीके इस ईयर में सेट नहीं होते, मैंने वो भी ट्राई करके देख रखे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलता है, जिससे कि अगर आपका डिवाइस भी ब्लूटूथ 5.1 सपोर्ट करता है तो काफी सीमलेस मतलब आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी दोनों डिवाइसेस के अंदर। और जो नॉर्मल रेंज मिलती है ना, वो अराउंड 10 मीटर के आसपास ही आपको देखने को मिलती है कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं इसकी बैटरी से रिलेटेड। तो बैटरी की इन्होंने काफी ज्यादा हाइप बनाई थी, अमेजोन वगैरह पे अगर आप जाके भी देखोगे तो मैसिव बैटरी 50 आवर्स का इन्होंने प्लेबैक टाइम लिख रखा है। तो नॉर्मली अगर बताऊं ना, तो जो ईयर टिप्स है ना, मतलब जो ईयरबड्स है खाली, वो आपकी 5 से 6 घंटे या फिर 6 से 7 घंटे नॉर्मली निकाल देते हैं अगर आप इसको 60-70% वॉल्यूम पे सुनते हो तो। और जो केस है ना, उसके अंदर आपको 500 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जिस वजह से थोड़ा हैवी भी फील करता है। और वहीं पर जो ईयर टिप्स है ना, वहां पर आपको 40 mAh के आसपास की बैटरी देखने को मिलती है दोनों ही के अंदर। तो अराउंड आपको इसके अंदर 35 से 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेन चीज जो कि है साउंड क्वालिटी, जिसके लिए आप डेफिनेटली इसको बाय करने वाले हो। तो एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं कि अगर under ₹1000 आप लेना चाहते हो ना, तब तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो, आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, साउंड क्वालिटी वगैरह भी काफी अच्छी मिलती है, मैं बताऊंगा। बट अगर इससे ज्यादा प्राइस मिलती है, लगभग जैसे अभी आपको ये 1300 के आसपास देखने को मिल रही है, तो उस प्राइस सेगमेंट में है ना और भी ईयरफोन्स है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें इससे बेटर फीचर्स भी मिल जाएंगे, साउंड भी इससे बेटर मिल जाएगी। तो साउंड की बात करूं तो साउंड आपको डिसेंट देखने को मिलती है, जो नॉर्मल मूवी में आती है ना वैसी ही साउंड मिलती है। टेरिबल्स वगैरह बिल्कुल आपको नॉर्मल मिलते हैं, जो साउंड सेपरेशन होती है ना, वोकल्स की सेपरेशन, वो भी काफी बढ़िया है। और जो बेस है ना, वो इतना ज्यादा एनहेंस्ड नहीं है, एनहेंस का मतलब इतना ज्यादा पंची फील नहीं होता है आपको। अगर आप एक बेस लवर हो, आपको बेसी जो सॉन्ग्स है वो ज्यादा पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है, ज्यादा बेस तो ये प्रोवाइड करेगी नहीं। हाँ, 50-60% वॉल्यूम पे आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा, और 50-60% पे आप कोई भी टाइप के सॉन्ग सुन लो, हिप हॉप, नॉर्मल या फिर जो बॉलीवुड वगैरह टाइप के हैं, तो उनमें आपको काफी बेटर क्वालिटी मिलेगी। बट नॉर्मली जिन सॉन्ग्स में
बेस ज़्यादा होता है ना, तो उस पर आप ज़्यादा मतलब वॉल्यूम में नहीं सुन सकते हो, इतना ज़्यादा बेस नहीं मिलता है। और अगर आप इसको फुल 100% पे सुनोगे ना, तो आपकी ईयर्स में क्रैकलिंग साउंड आएगी, मतलब जो साउंड फटती है ना वैसी वाली फील आएगी। तो नॉर्मली 60-70% मैक्सिमम रखना। अब बात करते हैं इसके माइक के बारे में। तो माइक के बारे में मीवी काफ़ी टाइम तक बताता है कि भाई हमारा माइक काफ़ी बढ़िया होता है। तो कॉल के टाइम पे आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी मिलती है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। सो अभी जो साउंड रिकॉर्ड हो रही है ये मीवी के डुओ पोड्स A350 से हो रही है, और ये डायरेक्ट मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कैसे आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है। नॉर्मली जो TWS होते हैं उनमें माइक की क्वालिटी आपको ऐसे ही मिलेगी, कॉलर में ज़्यादा बेटर माइक की क्वालिटी मिलती है TWS के कंपैरिजन में। तो आपने ऑडियो क्वालिटी सुन ली, मेरे हिसाब से जो ऑडियो क्वालिटी आती है ना काफ़ी बेटर आती है। मैंने जो ऑडियो क्वालिटी पहले सुन ली इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। बट हाँ, थोड़े नॉइजी प्लेसेस में जाओगे ना तो डेफिनेटली यार मतलब कि जो नॉइज़ वगैरह ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो TWS होते हैं ना उनका यहाँ पर माइक होता है, और वैसे अगर आप कॉलर यूज़ करोगे तो कॉलर में डायरेक्टली यहाँ पर माइक मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा बेटर जाती है। बट TWS में थोड़ी नॉइजी प्लेसेस में नॉइज ज़्यादा आती है। और एट लास्ट बात करूँ गेमिंग की, क्योंकि काफ़ी बंदे कहते हैं यार गेमिंग के बारे में बता दिया करो, तो भाई गेमिंग के लिए नहीं है, क्योंकि गेमिंग के लिए यार 1000 रुपये अगर दे रहे हो आप तो डेफिनेटली कोई वायर्ड ईयरफोन यूज़ कर लो, उसमें आपको ज्यादा बेटर गेमिंग मिल जाएगी। नॉर्मल कोई दूसरे गेम से वो खेल सकते हो, बट BGMI FS COD वगैरह फ्री फायर वगैरह इनमें जहां पर साउंड का काम होता है ना उसके अंदर आप इसको यूज मत करना, क्योंकि साउंड लेटेंसी आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। सो अगर बात करूं ओवरऑल कंक्लूजन की, तो अंडर 1000 रुपीज मिलती है तो डेफिनेटली ले लो। अगर आप बेस लवर नहीं और गेमिंग वगैरह इतनी नहीं करते हो, कैजुअल गेमिंग करते हो, तो भी आप ले सकते हो। और इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। सो ये थी मीवी डुओ पोड्स A350 की एक अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू। आई होप आपको वीडियो चलेगी, और वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूं।